Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the next series in the this is the next video in the series of GSGK for CUET and IP entrance. लास्ट वीडियो में हमने ये मॉक टेस्ट के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे. आई होप वो चीज़ वो क्वेश्चंस और वो फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं. आज की डेट में हम इस मॉक को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21 से चीज़ें कवर करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डायरेक्ट बात करते हैं बिकॉज ऑफ टाइम कम है, एग्जाम बहुत पास आ चुका है, सीधा आंसर्स पे बात करते हैं. अगर आपको कोई डाउट है, इफ़ यू आर हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, आप अपनी तरफ से भी कुछ पढ़ रहे हैं तो भी आपको डाउट है, देन यू कैन मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स. आप यहाँ कमेंट में मेंशन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर सच वीडियोज like on the different concept which can that the question most probable topic that can be asked in your examination, then also you can mention it in the comment box. So the 21st question that we have is about the Pune Pact. Pune Pact jo ki 1932 mein sign kiya gaya tha, ye agreement tha kis kis ke beech mein. So it is an agreement between the Nehru and Ambedkar. It is for the reservation of the scheduled caste and iske bare mein baat karni thi is time pe jo sorry not Nehru and Ambedkar, extremely sorry guys, it is between गांधी एंड अंबेडकर. ओके, तो इस टाइम पे गांधी जी जो थे वो जेल में थे, तो उनके साथ अंबेडकर पूना के यरवाड़ा जेल में थे. तो वहाँ पे गांधी जी वेंट एंड यहाँ पे ये एग्रीमेंट्स अंबेडकर जी मिलने गए गांधी जी से, और ये पूना पैक्ट साइन किया गया 1932 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज़ हाफ नेकेड फ़कीर. तो महात्मा गांधी को हाफ नेकेड फ़कीर जो वर्ड था, अलग अलग टाइटल गांधी जी के लिए यूज़ किए जाते थे. सो ये टाइटल जो यूज़ किया था, ये करा था विंस्टन चर्चिल ने. महात्मा गांधी के लिए टाइटल जो था, एक टाइटल यूज़ किया गया था बापू. बापू टाइटल यूज़ किया था इनके लिए किसने? जवाहरलाल नेहरू ने. आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महात्मा टाइटल किसने यूज़ किया एंड फादर ऑफ नेशन टाइटल किसने यूज़ किया. महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन एंड महात्मा, ये किसने कह के एड्रेस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑस्कर. ऑस्कर के रिगार्डिंग, देखिए ऑस्कर के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन आते हैं. तो ऑस्कर की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, ऑस्कर्स को अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है. तो पहले तो ये पूछ रहे कि एक मूवी जिसे बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑस्कर मिला था 95th अकेडमी अवार्ड में, ये मूवी को बेस्ट मूवी मिला है. तो इसको टोटल कितने अवार्ड मिले, मतलब ये मूवी को इन टोटल बेस्ट लाइक बेस्ट डिफरेंट फील्ड में कुछ अवार्ड लिए होंगे, तो टोटल कितने अवार्ड लिए इस मूवी ने? इस मूवी ने टोटल अवार्ड लिए हैं 7. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अकेडमी अवार्ड इज हु होस्टेड द 95th अकेडमी अवार्ड. अपने पास आप लोग मार्क कर लीजिएगा, PDF में अपने एजुकेशन हॉटस्पॉट के भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी. रेस्ट जो स्टूडेंट क्लास का पार्ट है उनके पास ये टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है. तो 95th अकेडमी अवार्ड किसने होस्ट किया? जिमी किमेल. ये सब जो भी मैंने आप बता रही हूँ ये मैंने क्लास में बताई थी चीज़ें आपको ऑलरेडी. विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट वॉन द ऑस्कर एट द 95th अकेडमी अवार्ड? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का किसको मिला? इट इज़ द एलिफेंट विस्परर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द ऑस्कर. सो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बेस्ट एक्टर, इट इज़ ब्रेंडन फ्रेजर फॉर द मूवी द वेल. बेस्ट एक्ट्रेस मिला था मिशेल यो को फॉर द मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस. बेस्ट एक्टर मिला है ब्रेंडन फ्रेजर फॉर द मूवी द वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ इन चेन्नई. कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई में. PSLV का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है. देखिए लॉन्चिंग व्हीकल दो टाइप, मेजरली दो टाइप के होते हैं, GSLV PSLV. तो GSLV इज जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल एंड PSLV इज पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो इट इज़ बी, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल. नेक्स्ट देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है PM के? तो इट इज़ अजीत डोवल. नाम याद होना चाहिए, डायरेक्टली पूछ सकता है, अलग अलग नेम के रिगार्डिंग मैचिंग भी आ सकती है. लास्ट ईयर आए हैं ऐसे क्वेश्चन. अजीत डोवल. हु इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न स्पेस साइंस इन इंडिया? द आंसर इज विक्रम साराभाई. विक्रम साराभाई इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इसरो. इसरो को फाउंड किया था. इसरो के इस समय एट प्रेजेंट इसरो के हेड कौन है? S. सोमनाथ. DRDO के फाउंडर कौन है? DRDO को किसने फाउंड किया था? तो DRDO के फाउंडर हैं APJ अब्दुल कलाम. नेक्स्ट मैचिंग है, मैचिंग है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, इंपॉर्टेंट है अगेन. तो यहाँ पे हम देखते हैं मेघालय की जो कैपिटल है दैट इज़ शिलोंग. मिजोरम की कैपिटल है एजवाल. त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला एंड तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई. तो ए का 3 तो दो जगह है, बी का 1, ए का 3, बी का 1, बी ऑप्शन में है. तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो थोड़ी गड़बड़ है, मैं इन नाम ये क्वेश्चन गलत है. मैं इन नाम के बारे में आपको चीज़ें बता देती हूँ कि ये नाम किस किस पर्सन से रिलेटेड है. तो ये जो पर्सन है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ हैं हमारे कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं. कौन है? जगदीप धनखड़. धर्मेंद्र प्रधान है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अश्विनी वैष्णव है रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
आर वेंकट रमानी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. एक पोस्ट होती है जो लीगल मैटर पे एडवाइस करती है सेंट्रल लेवल पे कंट्री को, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमानी. आगे और कुछ नाम भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू नेम. कैग, देखो एजीआई तो अभी बता दिया, आर वेंकट रमानी है. हमारी कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो गवर्नमेंट के लिए सीए का काम करते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करते हैं, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू. अटॉर्नी जनरल क्लियर हो गया. सीडीएस अभी है अनिल चौहान. फर्स्ट सीडीएस हमारे कौन थे? नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना. पहले सीडीएस थे बिपिन रावत. कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, बिपिन रावत कौन थे? फर्स्ट सीडीएस थे. सीजीआई कौन है? इट इज़ जस्टिस चंद्रचूड़. क्लियर, आई होप ये 33 क्वेश्चन तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी. ऑप्शन आप लोग चेक कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हु होल्ड द ऑफिस इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब अगर प्रेसिडेंट नहीं है, डेथ हो गई, प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, तो उस केस में तुरंत तो इलेक्शन नहीं होते, तो उस केस में उस ऑफिस को कौन होल्ड करेगा? देन द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट. उनको फॉर द टाइम बीइंग हम प्रेसिडेंट की तरह पोस्ट पे बिठाते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट की पोस्ट उस टाइम खाली नहीं छोड़ी जाती है. देन लेटर ऑन फिर आप इलेक्शन कंडक्ट कराते हो प्रॉपर. चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एक सेंटर लेवल की पोस्ट है, एंड सेंटर लेवल की जो भी अपॉइंटमेंट होती है, उन अपॉइंटमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये कौन सा आर्टिकल है? देखिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज आर्टिकल 21. इट इज़ वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट. इट इज़ आर्टिकल 21. नेक्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 11. फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपी हैं. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51A में प्रेजेंट है, कितनी है हमारी? 11. मनी बिल, देखिए अलग अलग टाइप के बिल हैं जिनको एक्ट बनाने का काम आपकी पार्लियामेंट करती है, लोकसभा एंड राज्यसभा करती है. नाउ द क्वेश्चन इज, मनी बिल को आप कहाँ इंट्रोड्यूस करते हो? तो मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन लोकसभा. ये राज्यसभा में नहीं जाता. दिस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. IFSC कोड में कितनी डिजिट होती हैं? 11. साथ के साथ आप लिख लीजिए कि आपका जो एक MICR कोड होता है, MICR कोड में होती हैं 9 डिजिट, एंड GST में होती हैं 15 डिजिट. याद रखनी है ये चीज़, GST में 15, MICR में 9. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटो ऑफ सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम. जो सत्यमेव जयते वर्ड है, इसका जो मोटो था, ये हमने कहाँ से लिया था? तो ये हमने अपने एक एंशियंट टेक्स्ट दैट इज मुंडको उपनिषद से लिया है. G20 समिट जो हुई है, इसका मोटो इट इज़ वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. क्लियर. इसके साथ एक और चीज़ है, दैट इज़ वासुदेव कुटुंबकम. ये भी मोटो रहा है हमारे G20 समिट का. इंडिया होस्ट कर रहा है, इसलिए G20 के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जो लोगो है G20 का, दैट इज़ द लोटस. एक लोटस है आपका फ्लावर, जो है वो लोटस फ्लावर यूज़ किया गया है G20 में. उसमें प्लैनेट अर्थ रखा गया है. 20 का जो 0 है वो प्लैनेट अर्थ डिनोट किया गया है, जो आपका किस पे रखा गया है? लोटस पे रखा गया है. तो ये जो लोगो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ किए गए हैं. तो वो कलर कौन से, कहाँ से लिए हैं आपने? नेशनल फ्लैग से. तो अब आप मुझे बताएंगे कि हमारे फ्लैग में कौन कौन से कलर हैं, और हमने अपना फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. समिट क्या है, मतलब मोटो एम क्या है इसका? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. चाइना की कैपिटल बीजिंग है, डायरेक्टली देख लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 45, देखिए पूछ रहा है किसको 2023 का रोमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है. तो रवीश कुमार एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं जिन्हें 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, तो इन्हें करंट रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला है. बाकी तीनों को इस साल लास्ट ईयर का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 22 का. मैक्सिमम मेंबर्स इन द लोकसभा, लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर हो सकते हैं, एट प्रेजेंट 545 हैं. लोकसभा में दो मेंबर कौन नॉमिनेट करते हैं? प्रेसिडेंट. राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 245 एट प्रेजेंट. 250 एट प्रेजेंट कितने हैं? 245, जिसमें से 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करते हैं? आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. 47 क्वेश्चन इज फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बुद्धा. तो बर्थ ऑफ द बुद्धा में देखेंगे कि बुद्धा का बर्थ कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल में. डेथ हुई थी कुशीनगर में. उन्होंने अपना पहला जो लेक्चर दिया था वो दिया था सारनाथ में, पहली टीचिंग. बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिला था बोधगया में. क्लियर, तो मैचिंग आप लोग देख लेंगे क्या फिट बैठ रही है. सिटी ऑफ पर्ल्स बोला जाता है किसको? हैदराबाद को. विजय हजारे ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज रिलेटेड टू हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल काउंसिल प्रेसिडेंट. इट इज जगमोहन दालमिया. सीमा पुनिया इज रिलेटेड टू डिस्कस थ्रो. किस कंट्री ने रिसेंटली संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया? दैट इज सऊदी अरेबिया. रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है. मिर्चा राइस जिसको अभी अभी GI टैग मिला है, वो कहाँ से रिलेटेड है? ये राइस की वैरायटी है फ्रॉम बिहार.
करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़ ओम बिरला, राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जो कि थे जगदीप धनकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है ओम बिरला, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैं भूपेंद्र पटेल, जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करके, जूरी अवार्ड जो होते हैं पद्मा के उनको कौन लीड करता है, देखो प्रेजेंट तो करते हैं प्रेसिडेंट ये पद्मा अवार्ड लेकिन इस जूरी को लीड कौन करता है वाइस प्रेसिडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन जूरी को लीड कौन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, कंचनजंगा नेशनल पार्क विच इज़ वन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, इट इज़ इन कहाँ पे है ये सिक्किम में है, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। पेट्रियाटिक सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा मोहम्मद इकबाल ने, कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है बिल्कुल सही मैच है, चार मीनार हैदराबाद में है सही मैच है, हम्पी कर्नाटका में है सही मैच है, बट सांची स्तूपा गुजरात में नहीं है ये कहाँ है ये एमपी में है याद रखना ये गलत मैच है। कौन सी बुक रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्क को इंक्लूड करती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बुक है गीतांजलि जिन्होंने जनगणमन आपका नेशनल एंथम लिखा है। आनंदमठ इज़ अ बुक ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी क्लियर जिन्होंने आपका नेशनल सॉन्ग दैट इज़ वंदे मातरम लिखा है। जो चंद्रयान 2 में तीन आपने यूज़ करे थे आपके जो इंस्ट्रूमेंट थे दैट इज़ द ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर, तो उसमें जो लैंडर एंड रोवर थे लैंडर का नेम था विक्रम एंड रोवर का नेम था प्रज्ञान। गगनयान लॉन्च करने के बाद इंडिया कौन सी कंट्री बन जाएगी टू लॉन्च द मैंड मिशन तो इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री, इंडिया से पहले USSR USA एंड चाइना मैंड मिशन लॉन्च कर चुकी है टू स्पेस। ये क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिशर इंडिया मतलब ब्रिटिश इंडिया के पहले वाइसराय जो कि इन द ईयर 1858 आफ्टर 1857 रिवोल्ट बनाए गए उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन में नहीं है थोड़ा देख लेना। ये नेम मैं ऊपर बता चुकी हूँ दोबारा से रिपीट कर देती हूँ आई होप आपको याद होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी आपके जस्टिस चंद्रचूड़ ऊपर मैचिंग में था ये, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू दैट वाज आल्सो देयर इन द मैचिंग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकट रमानी एंड आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस टाइम पे है अनिल चौहान और फर्स्ट कौन थे दैट वाज बिपिन रावत। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ये टोटल 69 क्वेश्चन का मॉक था जो हमने सॉल्व किया एंड इफ़ यू वांट कि हम और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करें देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड नोन वंस सो दैट दे कैन ऑल्सो वॉच इट एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। दिस इज द लास्ट टाइम दीज आर द लास्ट फ्यू डेज तो डू अ डाई की सिचुएशन है बिल्कुल आपको अपना 200% लगा के ये सारी चीज़ें कवर करके चलनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।